इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि MT-15 के ऊपर आप ग्रेबियल कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हो जैसे कि मैंने इंस्टॉल करवाया है। जैसे कि आप सबको पता है कि MT-15 का जो स्टॉक ग्रेबियल्स है वो कहीं ना कहीं यूजलेस ही है और पिलियन को भी उतना कम्फर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। एंड आपको पता है कि MT-15 का सीट भी काफ़ी शॉर्ट है, सो पिलियन भी काफ़ी स्केप्टिकल रिगार्डिंग द कम्फर्ट। सो दैट्स वाई आई थॉट टू इंस्टॉल अ ग्रेबियल इन माई बाइक, ताकि आप लोग भी इंस्टॉल कर पाए। एंड स्पेशली इफ़ यू ट्रैवल विथ योर पेरेंट्स, सो डेफिनेटली यू गाइस वुड नीड अ गुड ग्रेबियल। सो कम ऑन गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए तो सबसे पहले आपको ग्रेबियल खरीदना होगा। तो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको ये कौन सा बाइक का ग्रेबियल है। ये एक्चुअली पल्सर 150 का ग्रेबियल है, आप बजाज शोरूम से बाय कर सकते हो एंड इट्स काइंड चीप। ऑल्सो मे नो दैट द कलर ऑन द ग्रेबियल डजंट लास्ट दैट लॉन्ग, सो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर द ब्लैक कलर वन। तो ब्लैक कलर रहने से आपको दोबारा कलर नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वन रिकमेंडेशन आई वुड गिव यू गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टॉलेशन। तो इस ग्रेबियल के साथ जो दो प्लेट्स आते हैं टू होल्ड द ग्रेबियल इन द बाइक, उसको आपको काटना पड़ेगा। आप देख सकते हो, आई हैव कट इट आउट, आई हैव ग्राइंड इट आउट। एंड ये दो प्लेट्स जो है, दिस इज द मेन मॉड विच आई हैव डन इट। सबसे पहले इस ग्रेबियल के साथ दो प्लेट्स जो आते हैं उसको आपको कटआउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी वेल्डिंग शॉप पर जाइए, जाने के बाद उनको बोलिए कि इस ग्रेबियल को इन दो नट्स पे फिक्स करना है, तो वो लोग आपको दो प्लेट्स बना के दे देंगे। आप देख सकते हो, आप सही से देख लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, तो आप दिखा पाएंगे वेल्डर को कैसे करना है। चेक इट आउट गाइस, इट्स वेरी सिंपल, इट हार्डली टेक्स अराउंड 30 मिनट्स। तो मैंने ऐसा बनवाया कि मेरा ये फाइबर पार्ट पे भी हिट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो गाइस, आप भी ऐसा बिल्कुल बना सकते हो। yeah. आपको 3 होल्स करने पड़ेंगे जो बाइक पे होल्ड करके रखेगा, एंड और दो दो छोटे होल्स करने पड़ेंगे जो ये ग्रेबियल्स पे होल्ड करेगा। आप देख सकते हो, सेम गोस हियर ऑल्सो, इट्स वेरी सिंपल। एंड आपको 2 10 mm का नट्स भी खरीद लेने पड़ेंगे। एंड बाइक पे होल्ड करने के लिए MT-15 का स्टॉक जो ये नट दिया हुआ है उससे आपका काम चल जाएगा। अबाउट द इंस्टॉलेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट गाइज, आप खुद भी कर सकते हो। बस ये प्लेट्स आप किसी भी वेल्डिंग शॉप पे जाकर बना सकते हैं, इसके बाद आप इंस्टॉल कर पाएंगे खुद ही। इट्स एज सिंपल एज दैट गाइज। एंड ये दिखने में बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है। आई वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट द लुक्स, बट या इट्स लुकिंग वेरी गुड। कमिंग टू द वर्डिक्ट गाइज, इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हो। नाउ पिलियन इज वेरी कम्फर्टेबल। मैं भी आप सबको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली इंस्टॉल कीजिएगा if you want a grabrail in your bike. Another main reason for installing this grabrail is that, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि MT-15 का जो सीट है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो पिलियन भी काफ़ी स्केप्टिकल रहता है रिगार्डिंग द कम्फर्ट। सो पिलियन थोड़ा आगे मूव कर जाता है, सो राइडर को भी उतना कम्फर्ट प्रोवाइड नहीं होता है, प्लस उसको मतलब उतना कॉन्फिडेंस राइड नहीं मिलता है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिलियन को अभी बहुत एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो आप डेफिनेटली इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने बाइक पर ये ग्रेबियल। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।